अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, मार्केट की अपडेट की कुछ बात करते हैं। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है जी? मार्केट आई है तकरीबन 20,000 के आसपास चल रही है, और सब लोग यही सोचे थे यार 20,000 बॉटम है, 20,000 बॉटम है। हर्ट्स की जो बात होती है ना, डोंट बी अ हर्ट, लोग यही सोच रहे कि 20,000 बॉटम होगा। 20,000 नहीं, जब मार्केट को जूम करके देखा, ग्राफ्स चेक किए, तो क्या सीन चल रहा था कि 19,800 बॉटम दिख रहा था बाइनेंस के ऊपर। यूएसडीटी का चार्ट खोलें अगर, तो मंथली चार्ट तो 19,800 है। उसको भी और जूम आउट करें, जब आप बॉडीज़ को लेंगे, एक तो होती है ना बॉडी बनी, उसके ऊपर कैंडल एक पतली सी स्टेम बन जाती है, उसकी वो शेडो होती है। मैं उसको काउंट नहीं करता क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बॉडी इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी की क्लोजिंग कहाँ पे हुई। तो बॉडी की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई थी 18,000 समथिंग 700 और 800, आप देख सकते हैं उसको जाके यूएसडीटी के चार्ट में देखिएगा, मंथली चार्ट में। तो 18,800 मेरे माइंड में था कि है बॉटम, तो 19 और 20 तो ब्रेक हो सकता है, 70-80% चांसेस थे। वो ब्रेक हुआ, 20 ब्रेक हुआ, 19 पे आई, 19 पे एक आधा दिन कंसोलिडेट हुई, उसके बाद मार्केट आ गई नीचे, आपकी 17,500 को टच कर दिया, जो कि आपका जो बॉटम आपके माइंड में है, आप यही सोचो कि उससे नीचे मार्केट जाएगी, मार्केट को ले जाया जाएगा नीचे, सेलिंग होगी, फोर्सफुली सेलिंग हुई है। इतनी नेचुरली बिटकॉइन की सेलिंग नहीं होती है। आरएसआई इतनी ओवरसोल्ड हुई हुई थी कि लाइक हिस्ट्री में कभी बिटकॉइन की इतनी आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं हुई। ये या तो ये जानबूझ के किया जा रहा था ताकि कुछ बड़े प्लेयर्स को लिक्विडेट किया जाए, जैसे कि सेल्सियस है और माइकल सेलर है, इनको लिक्विडेशन के करीब लेके गए हैं, तो ये और मे भी कितने बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी लिक्विडेट हो चुके होंगे, तो ये तो दो हैं जिनका हमें पता है। तो बहरहाल एक ये भी गेम चल रही थी। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है बियर मार्केट में, बुल मार्केट में इतना ज़रूरी होता है बट इतना नहीं होता। उसमें चार्ट्स आप फॉलो करते हैं और वैसी बुलिश होती है, मार्केट ऊपर ही जा रही होती है, लेकिन बियर मार्केट के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ये दो कंपनियों ने जो लिक्विडेशन होना है, इनके ऊपर आप नज़र रखते हैं, ये आपको पता होता है तो मार्केट का फ्लो नीचे ही आएगा क्योंकि लोग इनको लिक्विडेट करना चाहते हैं। तो मार्केट ने बहरहाल 17,500 का बॉटम बनाया, 18,800 मेरे लिहाज से बॉटम था, लेकिन उससे नीचे आई, मार्केट ने शेकआउट किया, फिल्टर किया, मार्केट से बहुत सारे प्लेयर्स बाहर हो गए और बहुत सारे दुम दबा के भाग भी गए। लेकिन आप और हम क्या कर सकते हैं, हमने बाइंग करनी है हर दो तीन हज़ार के डॉलर के डिप के ऊपर आपने बाइंग करनी है, डॉलर कॉस्ट एवरेज करनी है। ये न्यूज़, ये जो नॉइज़ है मार्केट में, इसको आपने इग्नोर करना है, सिर्फ बाय करना है। बिटकॉइन का हर 3-4 साल बाद साइकिल आता है, बियर साइकिल, उसके बाद बुल ट्रेंड भी आता है। अब इस बार बिटकॉइन $100,000 $1,00,000 से भी ऊपर जा सकता है, बाय करें, बहुत अच्छी एंट्रियाँ मिल रही हैं। डॉट बाय करें, लिंक बाय करें, केक बाय करें, EGLD बाय करें, AVAX बाय करें, अवलॉन्चे जिसको बोलते हैं, रिपल बाय करें, सैंड, माना, मास्क, API3, ये अच्छे कॉइन्स हैं, इनमें अपनी बाइंग बनाएं और इनको होल्ड करके रखें। इंशाल्लाह आपके 10x, 20x, 30x भी बनेंगे प्रॉफिट। बट 100K के ऊपर, 60,000 के ऊपर थोड़ी सी सेलिंग करेंगे, फिर 100K पे और सेलिंग करेंगे, 110-150 के ऊपर बाकी एग्जिट कर देंगे मार्केट से, वो प्रॉफिट हमारे लिए बहुत है। उसके बाद हम वेट करेंगे नेक्स्ट बियर मार्केट का। तो ये प्लान है, और स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, डोंट वरी, डिप को बाय करें जो भी डिप आती है, और जो भी मार्केट की न्यूज़ चल रही है, ये तो बिल्कुल जीरो होने लगा, ख़त्म होने लगा, आप इग्नोर करें उसको और जस्ट बाय द डिप, क्योंकि मैंने 5 साल यही काम किया, मुझे पता है मार्केट के अंदर, मार्केट हमेशा रिकवर करती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ज़रा सा भी नॉलेज मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।